देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के संपन्न होने के बाद आज जनपद कार्यालयों में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। रीवा जनपद कार्यालय में ओबीसी महिला के लिए अध्यक्ष पद को आरक्षित किया गया है। नवनिर्वाचित सदस्य अब अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्षों का चुनाव करेंगे। चुनाव प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों सहित सुरक्षा व्यवस्था के लिए भारी पुलिस बल जनपद कार्यालय में मौजूद है। आपको बता दें कि जनपद अध्यक्ष के चुनाव को लेकर पहले से ही कई बड़े दल अपने व्यक्ति को अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद पर आसीन करने के लिए जद्दोजहद में लगे हुए थे। रीवा जनपद पंचायत के अध्यक्ष पद के आरक्षित होने के बाद महिला ओबीसी प्रत्याशी अध्यक्ष पद के लिए नामांकन पत्र दाखिल कर रहे हैं। हालांकि अभी नामांकन पत्र वितरण की प्रक्रिया शुरू हुई है, जिससे अभी यह नहीं कहा जा सकता कि अध्यक्ष पद के लिए कितने उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरेंगे। हम आपको बता दें कि जिले में पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव 3 चरणों में संपन्न हो चुके हैं। इनके द्वारा निर्वाचित सदस्यों द्वारा जिला पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष जनपद पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चयन किया जाएगा। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज पुष्प ने बताया कि मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले के जिला पंचायत के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष जनपद पंचायतों के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पद के लिए निर्वाचन के लिए कार्यक्रम निर्धारित कर दिया गया है। विकासखंड हनुमना मऊगंज नईगढ़ी रीवा एवं रायपुर करसुनियान में आज चुनाव हो रहा है, जबकि विकासखंड गंगेव सिरमौर तथा जवा और त्योथर में 28 जुलाई को जनपद पंचायत के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के लिए पद के लिए निर्वाचन के लिए प्रथम सम्मेलन होगा। जिला पंचायत के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिए 29 जुलाई को प्रथम सम्मेलन होगा। Thank you.